Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all you are doing great, sit and sound. After so many days, I know मैं बहुत दिन बाद vlog बना रही हूँ. Actually problem ये हुआ था कि मैं जब बनारस से आ गई तो उसके बाद मुझे time नहीं मिल पाया. मेरे को इतनी मैं outing से भी नहीं कर पा रही थी जो मैं vlog डाल पाऊँ. तो finally आज एक weekend है जिस दिन I am supposed to go somewhere. अभी देखती हूँ, रेडी होके जा रही हूँ. श्योर मतलब कहाँ जाना है, अभी चल रहे हैं. और मीट माय फ्रेंड, हाय रेबीना हियर. तो हम लोग आज मेला में जा रहे हैं और इसका लुक दिखाते हैं. हमारा क्यूट सा ये है हमारा क्यूट सा परी. अब देख रहे हो, एकदम डॉल सज के जा रहे हैं. एंड फाइनली ऑन द वे टू द फेयर. अभी मैं और देवलीना यहाँ से चल के जा रहे थे, हम दोनों ही थे साथ में. ये जो सारा यहाँ पे इतना ऑथेंटिक चीज़ें मिल रहा था ना, मतलब ये टॉय सेक्शन छोड़ के ये सारा एकदम एस्थेटिक मेरे को यहाँ पे ईशिका का लग रहा था. कि वो रहती तो वो ज़रूर बोलती कि रबीशा ये सब बहुत एस्थेटिक है, इसका पिक्चर ज़रूर क्लिक कर लेना. बट हाँ, ये सारा थोड़ा एस्थेटिक मेरे को भी लग रहा था. दैट्स वाई आई कैप्चर कि मुझे भी मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था, बिकॉज एक लाइन से सारा कुछ था. एंड बलून्स मेरे लिए तो बहुत फेवरेट है, बट मुझे खुद से ख़रीदना पसंद नहीं है, क्योंकि बलून्स रोजेज़ ये सब कोई छोटी चीज़ें हैं, बट कोई गिफ्ट करे तो ही अच्छा लगता है. मैं खुद से बलून खरीदूँ खुद के लिए, इट्स ओके. एनी वेज, अपार्ट फ्रॉम द जोक, बट हाँ ये पूरा एंट्रेंस भी बहुत खूबसूरत था. और तो फाइनली हम लोग मेला में आ चुके हैं. एंड यहाँ तो आधा चीज़ बिरवाली में लिखा है, मुझे समझ में तो नहीं आता, बट हैव टू एंजॉय इट. आज मेरी घूमने की पार्टनर चेंज हो गई है, इशिका नहीं है साथ में, नया न्यू पार्टनर है. और मैं भी नया पार्टनर, और मैं भी कांस्टेंट भी, क्योंकि अभी इशिका मैडम थोड़ा बिजी रहती हैं, तो हम दोनों ही साथ में घुमा करेंगे. इट्स ओके, इशिका देखेगी तो इस ब्लॉग में हेट कमेंट करेगी वो. खाना जब दिखाएंगे तो ज़्यादा हेट कमेंट करेंगे. यस, खाने का बहुत बस ठीक है ना. बॉय सलवर पैसा नहीं है हम लोग. एक्चुअली फेयर में सब कुछ ही था, सब कुछ मिल रहा था, बट कहीं पे भी सैंडल या फिर कुछ ऑथेंटिक मतलब जूती होता है ना, वो नहीं मिल रहा था. मेरा तो फेवरेट है, मैं अगर कहीं भी जाऊँ बिना सैंडल बिना जूती का मेरे को मज़ा नहीं आता. लगता कि कहीं का भी हो, बस मेरे पास एक तो होना चाहिए अगर ऑथेंटिक कहीं मिल रहा हो तो बस मतलब यहाँ पे वही नहीं था. बाकी सब कुछ मिल रहा था, लाइक क्लोथ्स एंड ऑल. तो बस ये सब तो मतलब यूज़लेस नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत लोग परचेज कर रहे थे, बट ठीक है मतलब. और फिर बाद में फूड सेक्शन वाज बंगाली स्वीट्स आर सो यम, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. अभी हम लोग ब्रेड की फिश फ्राई खा रहे हैं, बंगाली ट्रेडिशनल. बहुत टेस्टी है. और हमने फिर से यहाँ पे जो स्वीट ट्राई किया, मतलब मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने उस दिन बहुत मीठा खाया है. और ये भी मतलब मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता है इसका, बट वॉट एवर इट वॉज सो ब्यूटी सो यम इट वॉज. मतलब फिर मैंने ये कुछ कबाब टाइप था, मैजिक कबाब, मैजिक मशीन का कबाब कुछ ऐसा था, बट हाँ इट वॉज सो यमी. एंड हाँ, अभी तो पोटैटो ट्विस्टर, ये तो मतलब मैंने रणबीर बरार को देखा था ये बनाते हुए, मैंने पहली बार इसको ट्राई किया. मतलब बहुत ही अच्छा, क्या मतलब ठीक है, पोटैटो ही था, आलू ही तो था सिर्फ, बट ठीक है. इट वॉज़ यम.
मैंने टेस्ट किया था उस दिन, पहली बार मैंने भी टेस्ट किया, पहले तो मैं कभी खाई नहीं थी। ओके, सो बाय दिस नोट आई एम जस्ट एंडिंग दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस छोटू सा व्लॉग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई होप मेरा जो छोटा मोटा एफर्ट्स रह रहा है ब्लॉग के लिए आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो काइंडली मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।